अब हम चलते हैं आगे नेगेटिव रेजोनेंस की तरफ। नेगेटिव रेजोनेंस सब लोग नोट डाउन करो। नेगेटिव रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? माइनस आर का मतलब होता है कि रिंग से जब बाहर इलेक्ट्रॉन आए, एटम से बाहर आए, कोई एटम है या फिर कोई रिंग है उससे इलेक्ट्रॉन बाहर आए। आ गया समझ में? बाहर पॉजिटिव का जस्ट उल्टा, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव रेजोनेंस। सबको समझ में आया? एटम से जब बाहर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव रेजोनेंस। नाउ आई विल टेल यू द डेफिनेशन। इन दिस इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑब्जर्व टूवर्ड्स, लुक एट इट, बाहर निकलेंगे। अब कौन कौन दिखाता है माइनस आर इफेक्ट? कौन कौन दिखाता है जरा आप उसको नोट डाउन करो। लिखिए, माइनस आर इफेक्ट इज शोन बाय, मतलब रिंग से बाहर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हो, एटम से बाहर एटम इलेक्ट्रॉन निकल रहे हो, ये मतलब निकलता है। ठीक है, मैं आपको बना के दिखाऊंगा जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, पर पहले आप नोट डाउन करो कि माइनस आर इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप कौन से हैं। माइनस आर इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप कौन से हैं? सबसे पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर साइनाइड और फिर नाइट्रो। नोट डाउन करो, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, NO2, नाइट्रो।